मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नियमिती नहीं होगी या शिक्षक नियमित नहीं होंगे। 70,000 अतिथि शिक्षक परमानेंट नहीं होंगे, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। शिक्षकों की भर्ती में मिलेगा 25% आरक्षण, अतिथि शिक्षकों को मिलेगा 25% आरक्षण, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया जाएगा, लेकिन जो शिक्षकों की भर्ती होगी उसमें 25% का आरक्षण दिया जाएगा। 25% का रिजर्वेशन इन अतिथि शिक्षकों को मिलेगा, यानी 100 शिक्षक अगर भर्ती किए जा रहे हैं तो उनमें से 25 शिक्षक अतिथि शिक्षक होंगे। ये नया फॉर्मूला दरअसल इस वक्त ये वाकई बड़ी खबर है अतिथि शिक्षकों से जुड़ी हुई। शिवकांत फोन लाइन पर जुड़ गए, शिवकांत बताएं। अतिथि शिक्षक काफी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और इसको लेके कई बार प्रदर्शन भी किया। जब उनकी मांग नहीं सुनी गई तो वो कोर्ट गए थे और कोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय को इनकी याचिका का निराकरण करने का निर्देश दिया था, जिस पर लोक शिक्षण संचालनालय ने अपने जवाब में कहा कि हम प्रदेश के लगभग 70,000 अतिथि शिक्षकों को नियमित तो नहीं करेंगे, लेकिन जब भी भर्ती होगी और सीधी भर्ती में उनको 25% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं उनको केवल 25% अतिथि शिक्षकों को ही नियमित किया जाएगा, उनको नौकरी पे रखा जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। उसका मापदंड क्राइटेरिया क्या होगा शिवकांत? नहीं किया जाएगा जी, उनका क्राइटेरिया रहेगा उनका जो शैक्षणिक अनुभव है लंबे समय का, या जितने नंबर का एग्जाम होगा उनका भर्ती के दौरान, जितने नंबर उनके आए हैं उस आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, उस आधार पर उनकी नियुक्ति की जाएगी। ये पढ़ना बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो 70,000 अतिथि शिक्षक हैं शिवकांत, जो लगातार आंदोलित हैं, लगातार प्रदर्शन भी कर रहे थे सरकार के खिलाफ, आखिर उनका अगला रुख क्या होगा? किसी से बात हुई आपके अतिथि शिक्षकों के लीडर या उनके जो नुमाइंदे हैं? जी, मैं आपको बता दूं, उनके आजाद अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष से हमारी बात हुई है। उनका यही कहना है कि हमारे पास अभी भी रास्ता खुला हुआ है और हम सरकार से लगातार नियमितीकरण की मांग करते रहेंगे और ऊपर भी दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि हम लंबे समय से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और हमको सरकार के तरफ से आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन लास्ट अंत में सरकार अपने वादे से मुकर गई है। जी, तो ये दरवाजा खटखटाने वाला जिक्र जो आपने किया, क्या फिर कोई कोर्ट का रास्ता भी अपना सकते हैं ये अतिथि शिक्षक अगर इनकी मांगों पर फिर से विचार नहीं किया गया तो? जी, उनका कहना है कि हम आज फैसला आया है कोर्ट का, हम सब बैठकर रणनीति बनाएंगे और रणनीति के तहत जो भी हमारे साथी अतिथि शिक्षक जिस बात पर सहमत होंगे और जो हमारे लिए सही कदम होगा, हम मिलकर आगे की रणनीति बनाकर उस पे आगे चलेंगे। जी, लेकिन चुनौती भरा जरूर होगा। 70,000 से ज्यादा न केवल अतिथि शिक्षक हैं, बल्कि शिवकांत अगर जिक्र करें तो इनसे जुड़े परिवार भी हैं और ऐसे में एक बड़ा तबका इससे प्रभावित होने जा रहा है। ये 25% वाला फॉर्मूला वाकई क्या स्वीकार्य हो सकता है अतिथि शिक्षकों को शिवकांत? जी प्रशांत, वही इसी बात के चलते अभी भोपाल में पिछले समय अतिथि शिक्षकों ने बड़ा प्रदर्शन भी किया था और बीच बीच में वो वर्तमान सरकार को अपनी पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री की याद दिलाते रहते हैं और बीच बीच में उन्होंने आंदोलन भी किए। उनका यही कहना है कि हम किसी प्रकार के बहकावे में नहीं आएंगे, हमें नियमितीकरण चाहिए, क्योंकि हमसे वादा किया गया था और पिछले 20 साल से हम इसी आश्वासन में काम कर रहे हैं। जो हमें अभी वेतन दिया जा रहा है, जो हमें अभी बीच में हटाने का भी प्रोसेस चल रहा था, उसको लेके हमारे परिवार का गुजर नहीं हो रहा है। साथ में ही एक आशंका बनी रहती है जिसके चलते कई बार हमारी अन्य जो काम है वो भी प्रभावित होते हैं। अभी बीच में भी जब सरकार से उनकी मांग हुई, मीटिंग हुई, तभी उन्होंने नियमितीकरण की मांग की थी और चेतावनी देकर गए थे सरकार को कि जब तक उनको नियमित नहीं किया जाएगा वो अपनी मांग पर डटे रहेंगे और हर माध्यम से सरकार को याद दिलाते रहेंगे उनकी मांगों को लेकर। ठीक है, आप हमारे साथ शिवकांत बने रहिए।
अजय धवले साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भूपेंद्र जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहली प्रतिक्रिया अजय जी आपकी तरफ से, अतिथि शिक्षकों को एक भरोसा दिया था, आश्वासन दिया था, बीच में एक बयान भी सामने आया था कि अतिथि हैं तो अतिथि बनकर रहेंगे, घर में कब्जा थोड़ी कर लेंगे, बाद में माफी मांग ली थी, लेकिन अब तो ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका। अजय धवले साहब जी, अजय जी जी, मुझे लगता है जिस प्रकार से इस पूरे विषय को सेंसिटिव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये ऐसा विषय नहीं है। आप देखेंगे अतिथि महाशिक्षक पंचायत जब हुई थी 2023 में, माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पर तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने इनको बुलाकर इनका मानदेय में वृद्धि और अन्य जो मांगे थी उसको स्वीकार किया था, तभी भी ये क्लियर कर दिया था कि हम नियमितीकरण के लिए कुछ ना कुछ बीच का मार्ग निकालेंगे। आज भी सरकार इस बात के लिए आश्वस्त करती है कि उन्हें किस प्रकार से 25% उनको रिजर्वेशन दिया जाए कि जब नियमित भर्तियां हो, उस प्रकार से एक प्रक्रिया अपनाने की बात मध्य प्रदेश सरकार करती रही है। अतिथि शिक्षक इस मांग पर अड़े थे और इनका डेलीगेशन के साथ में जो दो तीन मीटिंगें अभी पिछले एक पूरे महाभर में माननीय शिक्षा मंत्री जी की हुई, उसमें भी उन्होंने ये मांग रखी, लेकिन सरकार ने भी अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट रखे और उन व्यू पॉइंट्स के आधारित ये निर्णय सरकार जब करेगी तब करेगी। लेकिन सरकार का जो दृष्टिकोण है कि अतिथि शिक्षक को पहले तो 10 माह का जो कंप्लीट अनुबंध की इनकी मांग थी कि जो 30% से रिजल्ट जहां कम आया उनको एक और अवसर दिया जाए, तो इन सारी बातों पर सरकार ने कंसेंसस बनाया था जिसमें मुझे लगता है अतिथि शिक्षक भी एग्री हुए थे और उस कंसेंसस के बाद में जो एक डायलेमा था वो डायलेमा दूर हुआ था। अब अतिथि शिक्षकों का जो एक विषय है कि उनको नियमितीकरण के लिए, तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश की सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि शिक्षकों की कमी मध्य प्रदेश में ना रहे, शिक्षकों के लिए नियमित भर्तियां हो। और आप देखेंगे अतिथि शिक्षकों का और जो हमारी रेगुलर भर्तियां हैं नियमितीकरण वाली, तो उनमें कैसा तालमेल बनाया जाए इसके संयोजन के लिए सरकार प्रयासरत है और एक निश्चित समय पर इस पर बीच का मध्यमार्ग निकालने के लिए सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है हमको सरकार के आगे वाले आने वाली कार्यवाही का वेट करने की आवश्यकता है, कार्रवाई का वेट करने की आवश्यकता है। लेकिन ये तो कह दिया गया कि अतिथि शिक्षक नियमित नहीं होंगे और 25% आरक्षण की बात इसमें कही जा रही है। भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। भूपेंद्र जी आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के लिए एक प्रकार से ये जो खबर सामने आई है उनके लिए कहीं ना कहीं एक झटके वाली खबर है। ये मध्य प्रदेश की सरकार और जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं ये शिक्षा का बंटाधार करना चाहती हैं और चाहती है कि लोग पकोड़े तलें और जो है स्ट्रीट वेंडर बनकर अपना जीवन यापन करें। और सरकार इसके लिए सबसे बड़ा, आपको अभी रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश के जो शिक्षा का अपना जो सर्व वो है केंद्र है उसने अभी रिपोर्ट जारी की है और 5500 स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पर एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। 25,000 स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पर मात्र 2 बच्चों ने एडमिशन लिया है और 84,000 स्कूल ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जहाँ पर मात्र 10 बच्चों ने एडमिशन लिया है। ये बंटरधार ये कर चुके हैं, शिक्षा का बर्बादी कर चुके हैं उसकी। आप जो है आपके पास शिक्षक नहीं है, आप जो है वो 30,000 स्कूल आप बंद कर चुके हैं और जो है 84,000 स्कूलों में बच्चों के एडमिशन नहीं हुए हैं और ये व्यवस्था के में आप बड़ा दावा कर रहे हैं कि बीच का रास्ता निकालेंगे। कौन सा बीच का रास्ता निकालेंगे? आपको अगर एक शिक्षक मिल रहा है, अगर अतिथि के नाम पर भी मिल रहा है, तो आप उसको जारी नहीं रखना चाहते हैं और रेगुलर भर्ती भी करना नहीं चाहते आप। ये तो अतिथि शिक्षक की बात हुई, चयनित शिक्षक मारे मारे घूम रहे हैं, आप उनको नौकरी नहीं देना चाहते हैं। तो यानी कि जो अतिथि शिक्षक हैं जो हैं आपके पास हैं, आप उनको नियमित कर सकते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि नई भर्ती, क्योंकि ये खबर यही आई है कि जब सीधी भर्ती होगी हम उसमें 25% का आरक्षण देंगे, तो ये तो मामला और लंबा खिंच गया। धवले साहब मुझे उत्तर देने दीजिए जी, मुझे उत्तर देने दीजिए। भूपेंद्र जी कांग्रेस के काफी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। भूपेंद्र जी इस बात को भली बात ही जानते कि 2018 का विधानसभा चुनाव का कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाकर देख लेंगे और न्यूज 18 को भी, मैं मेरा विनम्र आग्रह है कि न्यूज 18 भी उस मैनिफेस्टो को उठाकर देख ले। इन्होंने अतिथि शिक्षकों को परमानेंट करने का वादा किया था, वादा खिलाफी और विश्वासघात कांग्रेस के मूल में है
और आप 2023 के विधानसभा चुनाव का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए। मैं निजी टीम से ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि 2023 के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में कांग्रेस मुकर गई थी, उसने ये मैनिफेस्टो में वादा ही नहीं किया, जबकि इनकी सरकार जो अतिथि शिक्षकों के भरोसे जो 2018 में इनकी सीटें बढ़ी थी वो उसी वजह से बढ़ी थी। आज जब कांग्रेस वादा खिलाफी और विश्वासघात वाली कांग्रेस इस बात से अतिथि शिक्षकों को भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश करने का काम किसी का है तो मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह ने शिक्षा कर्मियों का कल्चर मध्य प्रदेश में। अरे सर अजय जी ये इस पे तो मैं जवाब ले लूंगा उनसे, भूपेंद्र जी से, लेकिन आज तो मुद्दे की बात अतिथि शिक्षकों की हो रही है, उनके नियमितीकरण को लेकर हो रही है, और जो खबर आ रही है ये आपको लगता है कि अतिथि शिक्षक इससे खुश हो जाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए अतिथि शिक्षक ये भली बात ही जानते हैं कि उनका ओपन आई कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशन होती है। उनकी जो प्रासंगिक मांगे थी कि हमें 10 माह का एक पूरे साल भर का अनुबंध दिया जाए, 30% वाले जहां पे रिजल्ट कम आए वहां पे हम लोगों को कंसीडर किया जाए, तो इन सारी मांगों पर सरकार ने कंसेंसस बनाया है। नियमितीकरण की मांग मुझे लगता है कि कुछ कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर में भी इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी का भी विषय आता है, तो रेगुलर भर्तियों में जो 30% का सरकार आज प्रोविजन कर रही है, इन सारे विषयों पे वो सरकार के साथ में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन पूरे विषय को जो कांग्रेस पॉलिटिसाइज कर रही है सरकार के साथ में बातचीत कर सकते हैं, सरकार ने तो कर ही लिया फैसला। नहीं, देखिए मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार से आज भ्रम की स्थिति ये फैली है, सरकार के ओर से इस विषय पे एक डिटेल जो डायलॉग आएगा उस डायलॉग में इन बातों को स्पष्ट कर दिया जाएगा। मुझे लगता है आज इस विषय को देखिए, ये नियमितीकरण की जो प्रोसेस है, नियमितीकरण की प्रोसेस को जो अतिथि शिक्षक है वो भली बात ही जानते थे कि प्रोसेस क्या है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के साथ में जो टर्म्स होते हैं उस टर्म से वो भी अवॉइडेड। मंत्री जी वाली बात बोल गए आप, लेकिन बस वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो मंत्री जी ने किए थे कि अतिथि हो, अतिथि मेहमान बनकर रहो, नहीं घर पे कब्जा कर लोगे। देखिए मुझे लगता है न्यूज 18 भली बात ही इस विषय को अगर फैक्ट चेक कर ले तो ये एक इनका जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट को इन्होंने कहा था कि हमारा एग्रीमेंट 10 माह का किया जाए, उस मांग को मांग लिया गया, इनके और विषय थे उन मांगों को मांग लिया, मानदेय वृद्धि की थी तो दुगना मानदेय कर दिया गया, तो मुझे लगता है सरकार सारे विषयों पे तो कंसेंसस बनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन अगर इस विषय को यदि कांग्रेस ले जाती कि इन सभी का नियमितीकरण हो जाए तो मुझे लगता है जो लेवल प्लेइंग फील्ड की हम बात करते हैं, जिन रेगुलर भर्तियों की बात करते हैं, तो वहां पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि जो अन्य बाकी लोग हैं उनको कहां से आप अपॉर्चुनिटीज देंगे। मुझे लगता है सब कंसेंसस वाले विषयों पर मांग जो अनुचित मांगे थी। छोटा सा भूपेंद्र जी आपकी तरफ से इस पर प्रतिक्रिया दे दीजिए, छोटी सी प्रतिक्रिया, समय थोड़ा सा कम है। देखिए ये जो है ये अभी खुद तो भ्रमित है ही और ये भ्रमित करनी बात वाली बात कर रहे हैं। कंसेंसस क्या होता है? कंसेंसस ये होता है कि 10-10 साल तक आदमी नौकरी करेगा और उसके बाद ओवर एज होकर घर बैठ जाएगा। अभी ये दबले साहब को अगर हम नौकरी दे दें अतिथि शिक्षक की और इनसे 15 साल बाद ये बातचीत करें कि आप कंसेंसस और जो है आप सरकार के डायलॉग का इंतजार करिए, तब इनकी क्या प्रतिक्रिया होगी इन्हें बताना चाहिए। आज जो है आप मध्य प्रदेश में अभी पूरे झूठ का मुलम्मा मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार कह रही है कि मात्र मध्य प्रदेश में जो है 0.9% 1% से भी कम बेरोजगारी बची है, और यही सरकार विधानसभा में बता रही है कि 40 लाख बेरोजगार इनके यहाँ पंजीकृत हैं, 8 करोड़ हमारी आबादी है, तो 5% तो यही हो गए, 80 लाख आंकड़ों का खेल नहीं। मेरी बात सुन लें, ये जो है ये प्रदेश को भ्रमित कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार में सबसे मुख्य मुद्दा जो है आज जो खबर निकलकर सामने आई अतिथि शिक्षकों की, उस पर खबर आती है कि उनको नियमित नहीं किया जाएगा। देखना होगा अतिथि शिक्षक इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत शुक्रिया।